आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 5,481 नए केस हुए दर्ज, 3 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में लागू हुआ वीकेंड कर्फ्यू, पंजाब में धारा 144, कोरोना ओमिक्रॉन के खतरे की रफ्तार के बीच राज्यों में लगाए गए हैं प्रतिबंध। आईआईटी खड़गपुर में 40 छात्रों समेत 60 लोग पाए गए हैं कोविड संक्रमित। मेदांता अस्पताल में कोरोना के 33 मामले आए सामने, 32 स्टाफ और 1 डॉक्टर संक्रमित। कांग्रेस पर बरसे हैं डिप्टी सीएम, कहा कांग्रेस पर बात करना समय खराब करना। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। पहली खबर बस्ती से है, जहां पर सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे आबिद रजा का जिलाध्यक्ष महेंद्रनाथ यादव के नेतृत्व में सपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए आबिद रजा ने कहा कि सपा सरकार में हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है, जबकि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिल रहे जनसमर्थन से बीजेपी घबरा चुकी है और बीजेपी सरकार से जनता ऊब चुकी है। इस सरकार में कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हैरान और परेशान है समाजवादी पार्टी के बढ़ते जनाधार को देखते हुए। सत्ता उसके हाथों से खिसकती उसे नजर आती है, इसलिए वो हर वो कदम उठाएगी जिससे समाजवादी पार्टी का चाहने वाला, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भयभीत होकर अपने घरों में बैठ जाए। लेकिन आज सारे वातावरण में पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक एक हवा समाजवाद की चल रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। चुनाव तक ये आंधी का रूप लेगी और सत्तासीन समाजवादियों को करने का काम करेगी। हम अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां सयाना हिंसा मामले में मुख्य आरोपी योगेश राज की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को रद्द करते हुए 7 दिन के अंदर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दे दिया है। हिंसा में शहीद हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। 3 दिसंबर 2018 को गौकशी होने के बाद मामले ने हिंसा का रूप ले लिया था, जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की गोली लगने से मौत हो गई थी। वही अगली खबर फतेहपुर से है, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद देश की आजादी में अहम योगदान देने वाले महापुरुषों के संग को याद करना और लोगों को आजादी के मायने समझाना है। जबकि कार्यक्रम का आयोजन विद्या भारती संगठन की तरफ से किया गया था, जहां शहर में महापुरुषों की झांकियां निकालते हुए उनके संघर्षों को याद किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन कर रहे जो संचालक थे, उन्होंने कहा कि देश विरोध ताकतें लगातार आजादी को लेकर सवाल उठाती हैं। रैली का उद्देश्य है आजादी के जो 75 वर्ष हुए हैं, जिन हमारे भारत माँ के सपूतों ने, महान विभूतियों ने देश की आजादी के लिए जो अपना सर्वस्व न्योछावर किया है, उससे हमारे वर्तमान के समस्त भैया बंधु बहनों को, देश के नागरिकों को, सबको प्रेरणा मिले अपनी देश की आगे जो स्वतंत्रता को छीनने की बहुत सारी चुनौतियां हैं उनका वो मुकाबला कर सकें। हम सबके ध्यान में होगा कि आज़ादी का ये 75वां वर्ष चल रहा है, इसको हमने, भारत सरकार ने भी, हम सब संगठन मिल करके अमृत महोत्सव नाम दिए है। इस अमृत महोत्सव के अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा और अपने विद्या मंदिरों के द्वारा, विद्या भारती के विद्यालय चलते हैं उनके द्वारा चल रहा है। तो आज ये जो है तिरंगा यात्रा करके ये कार्यक्रम। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा हुसैनगंज शाखा में बैंक से केसीसी बनवाने के बावजूद किसान को पूरा पैसा नहीं मिल रहा और किसान अपने ही पैसे के लिए भटकने को मजबूर है।
जबकि मामले की सुनवाई न होने से मजबूर होकर किसान ने जिलाधिकारी को पत्र लिखते हुए न्याय की गुहार लगाई है और पूरा पैसा वापस दिलाए जाने की मांग की गई है। मामला है, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है। कहाँ की शाखा? बड़ौदा हुसैन में। तो मेरी केसीसी 2,36,000 की, उसमें से 1,00,000 रुपये मेरे बचत खाते में डाल दिया गया। तो कहें इतने से आप काम चलाइए, और मुझको पैसे की और ज़रूरत है। तो कह रहे हैं कि निकाल दीजिए, तो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं निकलेगा, उतने ही दोबारा निकलेगा। और 4,200 रुपया मेरा बीमा भी काट लिया गया। तो फतेहपुर से पूरी खबर सामने आई है, जहां पर किसान सम्मान निधि का जो पैसा था, जो प्रधानमंत्री के सहयोग से किसानों के खातों में पहुंचाया जा रहा है। वहीं फतेहपुर से एक मामला सामने आया है, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा हुसैनगंज शाखा में एक किसान को पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा है। बैंक से केसीसी बनवाई जा चुकी है, बावजूद इसके अभी तक किसान को पूरा पैसा नहीं मिला है। वहीं अब किसान मजबूर होकर अपने ही पैसे के लिए इस वक्त भटकने को मजबूर है। पत्र आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहां पर किसान ने परेशान होकर जिलाधिकारी को पत्र सौंपा है और उनसे मांग की है कि उनका पैसा उन्हें वापस दिया जाए। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे फतेहपुर संवाददाता अमरदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अमरदीप, किसान सम्मान निधि का एक पैसा एक किसान का है जो फंसा हुआ है, जिलाधिकारी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई गई है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी, मामला ये है कि एक ये जो मामला पूरा है, ये हुसैनगंज के बैंक ऑफ बड़ौदा का है, जहां पर क्षेत्रीय किसान ने केसीसी बनवाई हुई थी। और केसीसी में जो है वो किसान बता रहा है कि 2,40,000 समथिंग का था मामला, जिसमें कि 1,00,000 तो उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है, और पर जो बाकी पैसा है उसको नहीं दिया जा रहा है। उसने संबंधित अधिकारियों से न्याय की गुहार भी लगाई थी, पर उसकी सुनवाई नहीं हुई। तब उसने मजबूर होकर के किया ये है कि जिला अधिकारी को पत्र लिख करके मामले की जांच करने को कहा है। पर वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें कि उसका जो किसान का एक आरोप ये भी सामने आ रहा है, तो उसने कहा है कि बैंक वालों ने हमारे बिना सूचित किए हुए हमारे बीमा जो कर दिया गया वो भी न्याय संगत नहीं है। तो इसी सारे मामले को लेकर उसने जो है फतेहपुर की जिला अधिकारी को पत्र लिखा है और न्याय की गुहार लगाई है, क्योंकि इस समय देखा जाए तो किसान वैसे भी परेशान है। तो इस परेशानी से का हल निकालने के लिए, अपने संसाधन को जुटाने के लिए उसने ऐसा पत्र लिखा हुआ है। जी जी अमरदीप, इस जो पूरा मामला है, इसके बाद जिलाधिकारी को पत्र सौंप दिया गया है, तो डीएम के तरफ से क्या कुछ इस पर पूरा बयान सामने आया है? देखिए, अभी जिलाधिकारी की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है जिससे कि आगे बात की जा सके। जिलाधिकारी तक वो पत्र पहुंच गया है, अब ये सोचने की बात है कि जिलाधिकारी महोदया कब उस पत्र को संज्ञान में लेकर के उस किसान के न्याय की हित की बात करेंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमरदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फतेहपुर से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर एक किसान अपने ही पैसे के लिए दर दर भटकने को मजबूर है, जिसके बाद तंग आकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई गई है। वही अगली खबर हाथरस से है, जहां पर जिला अस्पताल और महिला जिला अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि अस्पताल में महिला और पुरुष बिना मास्क लगाए देखने को मिल रहे हैं, और स्वास्थ्य विभाग के लोग ही 15 से 18 वर्ष के बिना मास्क के युवा जो है वो भी वैक्सीन लगवाने के लिए वहां भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। हाथरस से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां एक तरफ देश में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां से एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पूरा देश इस वक्त कोरोना से सकते में आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ हाथरस के बांग्ला संयुक्त जिला चिकित्सालय की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप आम जनता को देख सकते हैं, भारी मात्रा में वहां जनता मौजूद है और वहां पर चिकित्सक भी हैं, बावजूद इसके लोगों के अंदर और ना ही चिकित्सकों के अंदर किसी भी दशा में कोरोना का डर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग बिना मास्क के वहां पर दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? शशिकांत। क्या कराने आए हो? वैक्सीन लगवाने। अच्छा, तो मास्क लगा है? लगा हुआ तो है। तीसरी लहर के बारे में आप क्या कहेंगे? सर यही है कि सुरक्षित रहें, बचाव करें। जो लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, उनके लिए क्या कहेंगे? तो उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि सावधानी बरतें, बीमारी बहुत घातक है। क्या नाम है आपका? शशिकांत। क्या करा?
वहीं मिर्जापुर में माता विंध्यवासिनी मंदिर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए नो मास्क नो एंट्री का नियम लागू कर दिया गया है। ये निर्णय श्री विंध्य पंडा समाज और जिला प्रशासन के बीच हुई बैठक में लिया गया है कि बिना मास्क मंदिर में प्रवेश करने या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर चालान किया जाएगा, जबकि मंदिर में आने वाले पुलिस पंडा और सभी दर्शनार्थियों पर भी ये नियम लागू रहेगा। आज पंडा समाज और पुलिस प्रशासन की एक संयुक्त बैठक की गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अभी एक तारीख को यहाँ पर 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराना काफ़ी कठिन हो रहा था, इस वजह से आज एक आपात बैठक हम लोगों ने आयोजित करी और उसमें तय किया गया कि कोविड और ओमिक्रॉन के संकट को देखते हुए यहाँ पर अब बिना मास्क के दर्शन के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। ना ही पुजारी, ना ही यात्री, ना ही पुलिस प्रशासन, कोई भी बिना मास्क के कोई भी प्रवेश नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के गोले जैसे पहले बन रहे थे वो पुनः बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मंदिर में गर्भगृह में चरण स्पर्श पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अभी तक नियम यह था कि शाम 4 बजे तक दर्शन चरण स्पर्श बंद रहता था, अब हम लोगों ने यह निर्धारित कर दिया है कि चरण स्पर्श पूरी तरह 24 घंटे बंद रहा करेंगे अग्रिम आदेशों तक। इसके अलावा जो भी यात्री बाहर से आने वाले हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि अपनी वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवा करके तभी दर्शन करने आए, जिससे कि न तो वो खुद संक्रमित हों न संक्रमण को फैलाएं। भीड़ नियंत्रण के लिए जो है हमारे यहाँ विंध्याचल धाम मंदिर पे पूरी एक सुरक्षा के नाम पर काफ़ी जो है फोर्स लगी हुई है, पर्याप्त संख्या में 100 के ऊपर हमारे पास जो है यहाँ पर संख्या है, तो ड्यूटियाँ जो है 8-8 घंटे की शिफ्ट लगातार चलती रहती हैं और जिस दिन हमें लगता है कि ज़्यादा लोग आने की संभावना रहती है उस दिन हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स भी समीक्षा करके लगा देते हैं। चूँकि थाना विंध्याचल बिल्कुल निकट ही है तो वहाँ थाने से भी फोर्स इंस्पेक्टर विंध्याचल के नेतृत्व में लगा दी जाती है, साथ साथ जहाँ पर भी लगता है कि भीड़ का ज़्यादा संख्या होने की संभावना उस दिन हम लोग बैरिकेडिंग करके लोगों को क्रम से दर्शन करवाते हैं। तो अब लोग लाइन से ही जाएंगे दर्शन करेंगे? हाँ बिल्कुल, लाइन से जाएंगे और मास्क के साथ जाएंगे और गोले के अनुसार जाएंगे, जिससे कि कोविड के नियम का गाइडलाइंस का पालन भी कराया जा सके। अगली खबर बस्ती से है, जहां पर बहादुरपुर ब्लॉक में गौतम इंटर कॉलेज पिपरा गौतम में बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के दौरान 9 छात्राएं बेहोश हो गई, जिसको देखते हुए वहां पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन तुरंत बच्चियों को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां पर जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि जिन बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है वो डर के कारण बेहोश हुए हैं और इलाज के बाद सबकी हालत सामान्य है और वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इंजेक्शन लगाओ बेहोश हो गई? कैसा इंजेक्शन लगा? कोरोना का। कितना देर हुआ अभी तक बेहोश है? अभी 9 बजे करीब लगा इंजेक्शन, 9 बजे के बाद तक बेहोश है। ये सूचना मिली कि आप वो वैक्सीन लगा है बच्ची को और बेहोश हो गई। मैं वहाँ पहुँचा तो प्रिंसिपल साहब से बात हुई, सारे स्टाफ से बात हुई, स्टाफ सहयोग में था। ये हुआ ये नम वहाँ जो थी उनसे सूचना दिया गया वहाँ बहादुरपुर पर ब्लॉक पर, बहादुरपुर से कोई भी डॉक्टर वहाँ 1.5 घंटे तक नहीं आया, तब केवल लापरवाही के नाते ही सब कुछ हुआ। आज दरअसल गौतम इंटर कॉलेज पिपरा गौतम में जो है वैक्सीनेशन होना था 15 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों का, इसमें मेरी भी एक लड़की जो है वैक्सीनेशन में करवाया, लेकिन उसे तो कुछ नहीं दिक्कत हुआ, लेकिन भाई साहब की एक लड़की है उसको जो है बेहोश हो गई थी। लेकिन इस समय बहादुरपुर ब्लॉक के गौतम इंटर कॉलेज में आज 75 टीके लगाए गए हैं, जिसमें से एक छात्रा संस्कृत सिंह के द्वारा सर में दर्द एवं चक्कर आने की बात कही गई। इनको देख करके 7 अन्य बच्चियों के द्वारा इस प्रकार की बात कही गई। एहतियात के तौर पर इनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर भेजा गया और उसके बाद वहां से रेफर करके जिला अस्पताल भेजा गया। यहां पर प्रमुख अधीक्षक एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरफराज खान के द्वारा इनका परीक्षण किया गया और उनके द्वारा ये अवगत कराया गया है कि समस्त बच्चियों का BP, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन 100% नॉर्मल है। मूलतः डर के कारण, वेसोवेगल शॉक के कारण ये चीज़ उत्पन्न हुई थी एवं समस्त बच्चियां अब पूर्ण रूप से हेल्दी हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे बस्ती संवाददाता रजनीत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रजनीत, बस्ती में बच्चियों को
वैक्सीन लगवाई जा रही थी, जहां पर 9 बच्चियों की हालत गंभीर हो गई। क्या कुछ पूरा मामला सामने आया है रजनीश, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से टूट गया है। तो बस्ती से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोविड की वैक्सीन जो है उसकी पहली डोज दी जा रही है। इसी कड़ी में बस्ती में भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा था, वहीं पर 9 बच्चियों के वैक्सीन लेने के बाद बेहोश होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद विद्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिलहाल सभी बच्चियों की हालत सामान्य बताई जा रही है। वही अगली खबर आगरा से है, जहां पर ताजगंज थाना एकता चौकी क्षेत्र के बरौली अहीर के पास 10 चक्का ट्रक की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई, और यह हादसा इतना भयानक था कि युवक का सर भी धड़ से अलग हो गया। इस पूरे मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली है, पुलिस ने घटना स्थल से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि परिजनों के मुताबिक मृतक युवक पूजा करके अपने घर वापस लौट रहा था। मेरा नाम राजेश रावत है, मैं केरी गांव से निवासी हूँ। ऐसा था कि ये सुबह बनवारी और कटारा जी रोज मंदिर पर दर्शन करने भगवान जी के आते थे, तो जैसे ही मंदिर के दर्शन करके बाहर निकले और बाहर से मंदिर के ऐसे झुक के नमस्कार कर रहे थे, तो पीछे से ये जो ट्रॉला आया है जो ओवरलोड था, और ये नो एंट्री में भी आया है, दोनों ही चीज़ें थी, एक तो ओवरलोड था और प्लस नो एंट्री में भी आया था, इसके साथ कोई कनेक्टर कोई वगैरह नहीं था। उसने पीछे देख बिना देखे बैक कर दिया, उनसे टकरा के ये गिर गए हैं, गिर के इनके ऊपर छड़के दोनों पहिए पीछे के दोनों पहिए इनके ऊपर होकर निकल गए हैं, और उनकी मौके पर ही मौत हो गई है, जिससे कि उनकी बहुत लापरवाही, प्रशासन की भी लापरवाही सामने आ रही है कि नो एंट्री में जो मान के इतना हैवी ट्रॉला आ कैसे गया, और अंडर लोड में इस समय वाहन चल रहे हैं तो ओवरलोड कैसे हो गया, ओवरलोड भी था और नो एंट्री में भी एंट्री किया, और उसके साथ ना कोई कंडक्टर था ना कोई क्लीनर था। जी हाँ, बमरौली अहीर में अभी एक्सीडेंट हुआ है, एक लोडेड ट्रक थी जिससे धक्का लग गया है, और बनवारी लाल कटारा नाम के व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई है। से यह खबर सामने आई है, जहां पर रफ्तार का कहर आज देखने को मिला है। आपको बता दें कि एक युवक की मौत की खबर मिली है, जहां पर एक ट्रक की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक घटना इतनी भयानक थी कि हादसे के दौरान युवक का जो सर था वो धड़ से अलग हो गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस अब एक्शन मोड पर आ चुकी है, और घटना स्थल से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है, जबकि परिजनों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो मृतक युवक था वो पूजा करके अपने घर वापस लौट रहा था, जिसके बाद वो हादसे का शिकार हो गया। जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत की खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि ये हादसा इतना गंभीर था कि जो युवक है उसका जो धड़ से जो उसका सर था वो भी अलग हो गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और मामले की जांच पड़ताल जारी है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अलीगढ़ दौरे पर हैं, जहां पर सीएम कासिमपुर पावर हाउस के नवाब सिंह चौहान ग्रामोद्वार इंटर कॉलेज पहुंचेंगे। वहां पर कासिमपुर में बिजली से जुड़ी 7 करोड़ की योजनाओं के साथ 255 करोड़ रुपए के अन्य योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी करने वाले हैं। वहीं तैयारियों को परखने के लिए SSP ने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कोई भी व्यवधान अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए जाएं। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम से पहले डीएम कासिमपुर पावर हाउस भी गए हुए थे, और अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, जहां पर 660 मेगावाट की हरदुआगंज तापीर विस्तार परियोजना और 9 परीक्षण उपकेंद्रों का लोकार्पण जो है वो भी किया गया।
प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए जो फोर्स है वो जनपद रेंज लेवल का फोर्स यहाँ पे लगा है, और जो समस्त तैयारियाँ हैं सुरक्षा के दृष्टिगत उसकी तैयारी कर ली गई है, ब्रीफिंग भी कर ली गई। सर जैसे अब जो जो जैसे कोरोना बढ़ रहा है सर, उसके लिए क्या व्यवस्था है, क्योंकि जो जो सैलाब आएगा सर जनता को उसके लिए क्या व्यवस्था है? जो भी गाइडलाइंस है वो संबंधित विभाग भी यहाँ पर मौजूद है, वो अपना अलग से ब्रीफिंग कर रहे हैं, जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन कराया जाए। अच्छा सर, बाहर से भी कुछ फोर्सेस को रेंज लेवल का फोर्स यहाँ पे लगाया गया है और उसी के अनुसार जो है, और अपने अभिसूचना के लोग भी यहाँ पर हैं, सभी अपना फायर सर्विस का ड्रिल है, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हैं, डाइवर्जेंस है, सबकी तैयारी कर ली गई। धन्यवाद। फतेहपुर के विक्रमपुर में भारी मात्रा में बन रही नकली शराब का बिंद की पुलिस व एसओजी टीम ने पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में बिंदगी नगर के लालौले चौराहा और चल रही चेकिंग के दौरान संदिग्ध कार निकलने की सूचना कंट्रोल रूम को से अवगत कराई गई, जिसके बाद बिंद की पुलिस, कल्याणपुर पुलिस और एसओजी टीम के साथ आबकारी टीम ने संयुक्त टीम बनाकर घेराबंदी करते हुए थाना बिंदगी क्षेत्र के महराहा के चौराहे पर एक कार सवार चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास 260 लीटर जहरीली शराब मिली है। वहीं पर उनके साथ में कई और सामान भी बरामद किए गए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के शराब तस्करों द्वारा जो अपनी तैयारी की जा रही थी कि अवैध और अपमिश्रित शराब का बेच करके पैसा कमाएंगे, उनके मंसूबे को फतेहपुर पुलिस ने ध्वस्त किया है। आज चार अभियुक्त पकड़े गए हैं जो कि अंतर जनपदी गिरोह के हैं। इसमें बादा और फतेहपुर के अभियुक्त हैं, कुछ वांटेड अभियुक्त भी किए गए हैं जो कानपुर से संबंधित हैं, बादा से संबंधित हैं। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो